रेणुका अभी तक आए नहीं। पुत्र वासु देख कर आओ। जी पिताजी। माँ को देखा तुमने? क्या माँ अभी तक आई नहीं? नहीं। इतना विलंब, अब मुझे चिंता हो रही है। इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ समय पर चल लेकर ना पहुंची हो। आज ही विलंब हुआ है। वन प्रदेश है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो लड़का के साथ। गंधर्व के रास रंग में खोई है। क्या हो गया प्रिय? ये कैसी चाल चल रही हैं आप? आपसे भूल कहीं खो गई थी आप? क्षमा करें महादेव, न जाने कैसे मेरा मानस रेणुका के मानस के साथ जुड़ गया था। कदाचित ध्यान भटक गया। स्वाभाविक है देवी, है तो वो भी भगवती का ही अंश। ये क्या हो गया था मुझे? हे ईश्वर क्षमा करना।
स्वामी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरु भूखंड, मूर्ख, तू सदैव मेरी साधना भंग करने चलाता है। योगिनी को सिद्ध कर रहा था मैं और तूने। अरे गुरु भूखंड, तनिक बात तो सुनिए। तू बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है, क्या हुआ बोल। अरे बात प्रसन्नता की है, राम के माँ के मन में विकार उत्पन्न हो गया है। विकार? कैसा विकार? वो तो बड़ी साध्वी स्त्री है। गुरुदेव, वो चित्ररथ गंधर्व के सम्मोहन में पड़ गई है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। विकारग्रस्त मन को हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ गुरुदेव, और जमदग्नि जैसे तेजस्वी ऋषि को इस घटना के बारे में यदि फलक भी लग गई तो हमारा कार्य तो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। ऊंचा आ जाएगा उसके जीवन में। राम भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। महेश्वर, महर्षि जमदग्नि बहुत क्रोध में है। रेणुका पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। सदैव एक स्त्री को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? देवी, परीक्षा तो सभी देते हैं, किंतु आज कई लोगों की परीक्षा होने वाली है। परंतु क्यों देव? विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता देवी, आप सिर्फ मंगल कामना कर सकती हैं। घटित होने वाले घटनाक्रम को टाल नहीं सकती। विलंब के लिए क्षमा स्वामी, निर्मल जल ले आई हूँ। निर्मल जल? निर्मल मन से लाया हुआ जल निर्मल होता है। तुम्हारा मन दूषित हो चुका है। तुमने अपनी पवित्रता खो दी है। ऐसा क्या अपराध हो गया है मुझसे स्वामी? मैं निर्दोष हूँ, पूरी तरह से पवित्र हूँ। पवित्र? चित्ररथ गंधर्व के प्रति मोहित हो गए थे ना तुम? हाँ स्वामी, किंतु वो तो मात्र मन की भावना। मन तो चंचल हो गया था ना। मन ही तो सारे पापों की जड़ है रेणुका। हम सबको मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का पाठ पढ़ाते हैं, और तुम नहीं रेणुका, नहीं, मानसिक रूप से किया गया व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार से कम नहीं होता है। पिताजी, आप मां को, तुम्हारी मां मर चुकी है मेरे लिए। पिताजी, हमारे मध्य जो भी आएगा वो मेरा द्रोही होगा। रुकवान,
आज्ञा पिताजी। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य पिताजी। खड़ा उठाओ और अपनी माँ का वध कर दो, और अपनी माँ का वध कर दो, और अपनी माँ का वध कर दो। अपनी माँ का वध कर दो, यह मेरी आज्ञा है। स्त्री का जीना व्यर्थ है जो अपनी पति की दृष्टि में गिर जाए। सोच क्या रहे हो रुक्मवान? वध कर दो मेरा। इस लांछन को ढोते हुए अब मैं नहीं जी सकती। मृत्यु दे दो मुझे, मुक्ति दे दो मुझे। लो, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे पिताजी, ये मुझसे नहीं होगा। अपनी आज्ञा वापस ले लीजिए। मैं उस माँ को मृत्यु कैसे दे सकता जिसने मुझे जीवन दिया? रुक्मवान, तुम्हारे जीवन में मेरा भी अंश है। तेरी आज्ञा का पालन करो। इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। मुझसे द्रोह कर रहे हो। आपको शीश ही चाहिए था ना, तो मां के स्थान पर आप मेरा ही शीश ले लीजिए। तुम्हारे रक्त से मेरा लांछन नहीं धुल सकता पुत्र। वध मेरा होना चाहिए। नहीं मां, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपके प्राणों पर आंच नहीं आने दूंगा। तो तुम भी आज से मेरे लिए मर चुके हो रुक्मवान। नहीं पिताश्री, नहीं, ये ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। ये महापाप मैं नहीं कर सकता पिताश्री, मैं नहीं कर सकता। पुत्र कैसे मां को मार सकते हैं पिताजी? इतने कृतज्ञ नहीं है हम। जिन्होंने हमें अपना दूध पिलाया, जिनके आंचल और स्नेह में सुरक्षा पाकर हम बड़े हुए, उनके वध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं पिताजी? हमें क्षमा करो। पितृद्रोही हो तुम सब, मेरे लिए मृतक के समान हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, हम आपकी संतान मर चुकी है। मेरी संतान, मेरी कोई संतान नहीं है। और ये आश्रम भी मेरे रहने योग्य नहीं। राम राम।